बिछोर में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ऐतिहासिक जीत पर सिंधिया जी के करीबी श्री रामकृष्ण पारासर जी ने अपने भवन पर जीत की खुशी मनाते हुए लोगों को मिठाई खिलाई, साथ ही महाराज सिंधिया जी की जीत की खुशी मनाई। पारासर जी ने बताया कि पिछोर को महाराज जल्द से जल्द जिला बनाएंगे और पिछोर का विकास कराएंगे। इस मौके पर फास्ट समाचार संवाददाता ने की रामकृष्ण पारासर जी से खास चर्चा, देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सचिन राज भट्ट, आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। आज महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की इस सीट से बहुत बड़ी जीत हुई है और महाराज के करीबी जाने जाने वाले श्री रामकृष्ण पारासर जी यहां पर लोगों को मिठाई खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं और जीत की खुशी मना रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह से ये जीत हुई, किस तरह से पूरी टीम ने जो मेहनत की। आइए सर, नमस्कार, फास्ट समाचार में आपका स्वागत है। आज महाराज की ऐतिहासिक जीत हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? लोकसभा में 5.5 लाख से भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई है और प्रत्येक कार्यकर्ता ने लगन से और मेहनत से कार्य किया है। प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने को अपने मतदाता के साथ मिलकर कभी ये नहीं माना कि मैं पदाधिकारी हूँ। कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ कार्य किया है, गांव-गांव में जाकर मेहनत की है, उसका परिणाम बूथ कमेटियों ने बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बूथ कमेटियाँ, क्योंकि उन्होंने ही चुनाव को जिताया है। और इसके अलावा महाराज का इस क्षेत्र से नेतृत्व जो पिछली हार का कारण था उसको जनता ने दोगुना ढाई गुना करके दिखा दिया और इसमें नए जिले की एक शिवपुरी जिले का मैं पिछोर जिले की आने वाले समय में जिले की घोषणा शीघ्र होगी और विकास की गति बढ़ेगी। जिस तरह से विकास की गति बढ़ेगी और जो पिछली बार यहाँ की जनता ने अब दुगना करके महाराज को दिया है, और भी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कयूम खान। अच्छा चाचा, इस बार महाराज की ऐतिहासिक जो जीत हुई है क्या कहेंगे इस बारे में? इस बार जो महाराज की ऐतिहासिक जीत हुई है, मैं ये कहूँगा कि महाराज साहब ने ये कहा था कि हर पोलिंग बूथ पर जाकर तुम्हें काम करना है, मुँह दिखाई नहीं करना, और मैं हर पोलिंग का जो है मतलब रिकॉर्ड देखूंगा, उसी के हिसाब से मैं अपने कार्यकर्ताओं को जो है मान्यता दूंगा। हम महाराज की जो है लंबी उम्र की कामना करते हैं। आज पारासर जी ने यहाँ धुआंधार भवन के सामने लड्डू खिलाए लोगों को, खुशियाँ बांटी, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है। आज जो है हमारे रामकृष्ण पारासर जी ने यहाँ जो है मिठाइयाँ बांटी हैं और आतिशबाजी चलाई है और लोगों को जो है मतलब आकर्षित किया है उन्होंने, जो है कि हम महाराज के प्रति हमेशा जो है रहे हैं और महाराज के साथ हमेशा रहेंगे और उनके जीत का झंडा हमेशा ऊंचा उठाते रहेंगे। ये हमारी खुशी का माहौल है लगातार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीलेश पारासर जी यहाँ पे लड्डू वितरित कर रहे हैं और लगातार यहाँ पटाखे आतिशबाजी चल रही है। यहाँ सिंधिया महाराज ने इस तरह से जो जीत यहाँ पर दर्ज कराई है उसकी खुशियाँ धुआंधार परिवार मना रहा है। धन्यवाद।